हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला आपके स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। मेला 19 फरवरी तक चलेगा और इस मेले में देश विदेश से लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं। इस बार उत्तर पूर्व को मेले की थीम बनाया गया है। क्या कुछ है इस बार के सूरजकुंड मेले में खास, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। सज गया है सूरजकुंड मेला, शिल्प कला और कारीगरी के तमाम रंग समेटे हुए, देश विदेश की परंपरागत तस्करी की छटा के साथ कला प्रेमियों को कुछ इस तरह लुभा रहा है 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला। नॉर्थ ईस्ट को इस बार मेले की थीम बनाया गया है। वहां का खान पान संस्कृति इस बार मेले का खास आकर्षण होगा, क्योंकि इस बार नॉर्थ ईस्ट के राज्य इस मेले का हिस्सा है और पार्टनर कंट्रीज के तौर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्र इस मेले में शिरकत कर रहे हैं। ये तो रही जानकारी मेले के बारे में, लेकिन अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब मेले का शुभारंभ किया गया। खैर, मेले का आगाज तो 3 फरवरी को हुआ, लेकिन लोगों के लिए इस मेले को 4 फरवरी से खोल दिया गया है। वही खबरफास की टीम ने हरियाणा की संस्कृति को आपके सामने रखने की कोशिश की। सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। 3 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला का आयोजन किया गया है। और जिस मेले में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा अपनों गांव का थीम भी रखा गया है, हरियाणा से जुड़ा हुआ इस घर के अंदर रखा गया है, किस तरीके से हरियाणा की संस्कृति को इस मेले में दिखाया गया है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भावी योजना है जिसमें देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाना है, उसको इस मेले के अंदर सजाया गया है, वो तमाम चीजें हम अंदर चलेंगे और जानेंगे कि इस विरासत प्रदर्शनी में हरियाणा की कौन सी विरासत, देश की कौन सी विरासत दिखाई गई है, वो विरासत जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। बहुत सारे सिनेमा में, गानों में भी सुना होगा, तो साफ तौर पर जो चीज़ें हमने सुनी है आज तस्वीरों के माध्यम से, आज उनको यहाँ प्रदर्शनी में लगाकर साफ तौर पर उसको कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। नीचे खाट भी हैं, उन खाटों को काफ़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको मॉडर्न टच भी दिया गया है। आप उनके पहियों को देख सकते हैं, जो चारपाई के स्टैंड्स हैं, जो जो बेस बनाते हैं, आप उनको देख सकते हैं किस तरीके से सजाया हुआ है। यहाँ पर लालटेन लगाया हुआ है, ताले लगे हुए हैं, काफ़ी पुराने ताले हैं, यानी कि शायद परदादियों के समय के ताले हैं जो हमने भी नहीं देखे, हमारी जनरेशन भी नहीं देखे, लेकिन इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो तमाम चीज़ों को सजाया गया है, दर्शाया गया है। यहाँ पर घंटी लगाई गई है, ये लकड़ी और लोहे और पीतल की घंटियाँ गाय, भैंस, हाथी तथा रथ में प्रयोग किए में लाए जाते थे और ये अलग अलग तरीके के आवाज़ निकालते हैं, यानी कि जब ये घंटी उन जो जानवर हैं उनके गले में होते थे तो साफ तौर पर ये पता चल जाता था कि कौन सा जानवर गुजर रहा है। यहाँ पर नयोल लगाया गया है, जेली लगाई गई है, जो साफ तौर पर बहुत सारे किसानों के द्वारा प्रयोग की जाती थी। ये पशुओं का गहना है जो पशुओं को पहनाया जाता था, काफ़ी भारी होता था और उनको ग्रिप मजबूत करके चलने में, पकड़ बनाने में भी ये काम आता था। अब देख सकते हैं किस तरीके से इस प्रदर्शनी के अंदर पुराना गेट लगाया गया है। बहुत बार जब हम घरों में अभी भी गाँवों में जाते हैं, दूर दराज जहाँ डेवलपमेंट नहीं पहुँच पाया है, तो इसी तरीके से नॉक कर हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं और यही द्वार होता है जिससे हमको वो झांकी मिलती है कि गांवों के घरों में कितनी खूबसूरती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जब हम घर में चले जाते हैं तो पहले दादी नानी को देखते थे कि वो किस तरीके से जो है वो दूध मक्खन निकाला करती थी, किस तरीके से दही महा करती थी, तो साफ तौर पर माँ जो व्यस्त होती थी, दादी नानी जो व्यस्त होती थी, वो अपने पर पोतों को इसी तरीके से एक झूले में बिठा कर झुलाया करती थी और घर का कामकाज भी किया करती थी। साफ तौर पर तमाम वो पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ माप है, माप यानी
वो बर्तन जिसका इस्तेमाल करते हुए वजन किया जाता था कि पाव कितना है, शेर कितना है, धड़ी, ये तमाम जो वजन के आंकड़े होते थे इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए किया जाता था। अब चीज़ें बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, चीज़ों के इस्तेमाल करने का तरीका बदल गया है, लेकिन भारत जो कि अपनी परंपरा और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वो कहीं ना कहीं इस धरोहर को भी बचा कर, इस धरोहर को अच्छे से सेज कर रखना चाहता है। और एक बार फिर से हम देख भी रहे हैं कि भारत जितना भी मॉडर्न होता जाए इन पारंपरिक चीज़ों की ओर भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती थी, प्रकृति को नुकसान नहीं होता था, इंसान के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होता था, और इन तमाम चीज़ों को सजा कर दिखा कर एक बार फिर से परंपरा से जोड़ने की कोशिश की गई है। इसके बाद हमारी संवाददाता प्रियंका राय असम के स्टॉल पर गई और असम की संस्कृति को जानने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। इस बार ये 36 साल होगा जब इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। और साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो मेले का आयोजन किया गया है वहाँ पर भारत के अलग अलग राज्यों के संस्कृति को दिखाया गया है, और उसके साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की बात प्रधानमंत्री मोदी भी कहते आए हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए इस जगह पर नॉर्थ ईस्ट के साथ मिलकर इस बार अलग अलग राज्यों का स्टॉल भी लगाया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, ये तमाम जो राज्य हैं, जो दूर दराज के राज्य हैं, जिनकी कनेक्टिविटी को लेकर भी अक्सर सवाल खड़ा होता है, उन राज्यों को भी इस बार मेले में जगह दी गई। और साफ तौर पर इस बार इस मेले के पार्टनरशिप में इन तमाम 8 राज्यों को जगह दी गई है, और साफ तौर पर SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान जैसे देश शामिल होते हैं, उनको भी इस बार अपना एसोसिएट पार्टनर बनाया गया है। चलिए एक स्टॉल पे चलेंगे, ये असम का स्टॉल है जो साफ तौर पर आपको दिखाएगा कि किस तरीके से असम की जो संस्कृति है, कलाकृति है, वो क्या है, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि वुलन का इस्तेमाल करते हुए सॉफ्ट टॉयज बनाए गए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मेक इन इंडिया और देशी स्वदेशी टॉयज को प्राथमिकता देने की बात कहते हैं उसका साफ तौर पर ध्यान रखा गया है। और हमारे साथ खुद बात करने के लिए कीम शर्मा मौजूद हैं, जो कि लिम्का अवार्डी भी हैं, चलिए उनसे बात करेंगे। किम जी ये बताइए कि ये जो टॉयज हैं और इनका क्या प्राइस और बनाने में कितना दिन लगा? इसको मैंने ऑलरेडी जब मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड किया था उसमें से मैंने 1 मिनट में 110 मिनट पर मिनट में ब्लाइंड फोल्डेड में किया था। उसके बाद में मैंने सोचा 2 ईयर्स का, दो साल का पहले मैंने ये बनाया टॉयज, इसमें मेरे को 3 आवर्स लगता है, किसी ने बनाएंगे तो पता नहीं है, 1-2-3 दिन भी लग सकती है। इसका नाम है सिंगल क्रोशिया। कितना दिन लगता है इसको बनाने में? ये मैंने 3 घंटा में बनाया है। और कितना वुलन लगता है? वुलन में हमें 100 रुपीज का पकड़ लो, लेकिन वो 3 घंटा को हासिल करने के लिए मेरा 35 ईयर्स लगा है। जिस तरीके से ये ध्यान रखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाना है, नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना है, नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है, तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सूरजकुंड मेले में स्टॉल्स लगाया गया है। और स्टॉल्स पर जो लोग आएंगे वो नॉर्थ ईस्ट से फरीदाबाद में खड़े होकर जुड़ जाएंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट। चलिए आगे बढ़ें।